हेलो गाइस, मैं हूं अब्रेश और हम हैं फोकस। आप लोग एक एक्साइटिंग ब्लॉग के साथ और आज है कुंडे की न्याज। गाइस आप लोगों को जैसे कि पता पीछे तैयारी ही चालू है, चना बन रहा है, बुढ़ापे की सासू मॉम चना बना रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। आंटी बोली आप मेरे को इतने दूर से यही चीज के लिए बुलाना और यार मुमानी आप क्या कर रहे हैं? तो मेहनत कर रहा अरे यार मैंने कल क्या खाना बनाया था, जो कि मैं चख नहीं पाया। मुमानी अपन नेक्स्ट टाइम आप पका के खिलाना है ना। लहसुन पुलाव नहीं, वो मैं खा खा के बोर हो गया। जो कल बनाए थे ना वो खिलाओ भाई। भाई जो आप कल बनाए भाई। हाँ तो गाइस बस नियाज के लिए सब रेडी हो ही रहे हैं। चलो फिर वेट करते हैं, जब तक ये सब तैयारी कर लेते हैं। बुलाने दो, कोई निकलो बाहर। तो गाइस इसके नीचे मैंने जानवर बिठा दिया, उसके ऊपर वाइट, ये टीवी को ढकने के लिए काबा इस साइड है, इस वजह से टीवी को ऐसा ढकने के लिए ये वाइट कलर का कपड़ा लगा दिया हमने। तो अभी इसके ऊपर वो लगाते हैं, क्या बोलते हैं, कूडे और खीर भर देते हैं उसके अंदर। और फूल अभी बिलाल लेकर आ रहा है, हाफू जी को लेकर आ रहा है नियाज के लिए। तो जल्दी जल्दी ये सब तैयारी करते हैं, उसके बाद फिर नियाज को दिखा। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है यार हमारे मौलाना साहब। अरे आ गए नियाज दिलाने, आ गए मौलाना। अल हबीबी अल हबीबी अल हबीबी। तो रात में तुम लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत करके इसको पैक किया था, खोल देते एक साइड से ही खोलता मैं, देख लेता पूरा ही खोलना पड़ता। हाँ पूरा खोलना। माशाल्लाह। तो भाई ऊपर हम लोग ने ना सूखी पूरी बहुत ज्यादा भर दिए थे, तो हम लोग ने अलग रखे हैं। अभी वो जो बड़ी पूरी है भरी वाली वाली कुंडों में भर देते हैं। बीच में दोनों में अपन रखेंगे खीर और साइड में रखेंगे पूरियां। एक में सूखी पूरी रखते हैं और एक में ये रखते भरी वाली। एकदम बराबर दीदी, मैंने दिया अच्छे से भर गया। तो गाइस पहली जमात बैठ गई है खाने के लिए। फरदीन मामू, जिशान और अरफात मामू बैठ गए खाने के लिए कुंडे। तो मम्मी आओ, अरे वो तो लेकर आओ मम्मी। ओ मम्मी, अरे माँ बिलाल के नहाने से पहले तो पूरी नियाज हो गई। अच्छा हम लोग लेट आए तो आओ, इन लोग बैठे। ए तुम लोग दूसरी जमात का वेट कर रहे हो ना? पूरी क्या बनी है, मस्त बनी है पूरी। हाँ काशिप भी बैठ गया, ले तुम लोग बैठो मजे करो खाओ स्टार्ट करो। मम्मी चना लेकर आओ। ओ माँ चना लेकर आओ, चना बन। अरे माँ तुम लोग को चना थोड़ा लेट मिलने वाला है। फरदीन मामू ये कुंडे खाने के बाद फिर दुआ भी मांगते ना? खाने से पहले दुआ मांग ले, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाह तो जो भी मुराद करेंगे अल्लाह ने चाह तो हो जाएगा इंशाल्लाह। और फरदीन मामू फिर आप क्या मांग रहे? दुआ बताई नहीं जाती ब्रो। तेरे से थोड़ी पूछा। कैसा है? माशाल्लाह अच्छा बनाए ले। अरफात मामू मीठी नहीं बताती। हाँ काशिफ कैसा है? हाइफा की हाथ की खीर मस्त ना बिलाल तू? अच्छा इन लोग सब साथ में। अबे उससे मत पूछो तो मजबूरी में। अच्छा भाई दूसरे देखे थे पूछ। कम से कम मैं नहाया भाई, कम से कम मैं नहाया तो सही। इधर देखो क्या, इधर देखो पाक साफ ही नहीं आया। मतलब साफ ही है मन भाई बोलते हम लोग 10 दिन से तो नहाए नहीं पाक साफ ही। तौबा कर लो। ए नियाज का टाइम है, क्या बात कर रहे। चलो अपन सब साथ में बैठते है ना। चलो ठीक है। हाँ मेरे को भी नहीं हो रहा, भूख लग रही है, बहुत भूख लग रही है। तो गाइस राज चाचा और चाची भी आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। अरे आयशा का है? हाँ आए 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 आओ। सब बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं खीर की, तो मैं चाहता हूँ हाइफा तू नेक रख, हाथ दे हाथ दे हाथ दे। तीन बार बोल दिया, अभी हाथ नहीं देगी तो फिर मैं नहीं लूंगा। आग बंद कर, आग बंद कर, आग बंद कर, आग बंद कर। अरे नेक दे रहे अब नहीं, ये हिला ली हाथ, छुड़ा ली हाथ, छुड़ा ली अब नहीं दूंगा। भाई सही में देने वाला था, अब नहीं, अब सही में देने वाला था, अब नहीं दूंगा। ये बिल्ली है अब देता कुछ। तू कुछ करी मेहनत?
अब तेरे को गूगल पे करूंगा मैं। इसको कैश दे रहा था मैं तेरे को गूगल पे। कुछ नहीं है, गाइस यहाँ पे अभी हम लोग भी निकाल लिए, टेस्ट करके देखता हूँ कैसा है। तुम लोग बैठोगे नहीं बैठोगे? बैठेगे। तो गाइस ये लोगों को टिकिया नहीं मिली थी, टिकिया वहाँ कोने में रखी हुई थी इसलिए लोग खा नहीं पाए, तो मामू अभी खा रहे हैं। टिकिया कैसी है? अच्छी है, अच्छी है ना, बहुत मस्त है ना। अच्छा तो अभी अच्छी है, एकदम बराबर मस्त है ना। हाई फाई इधर आ, हाई फाई। इतनी अच्छी खीर बनाई, क्या चाहिए तेरे को? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत सारी बनाई है। नाम के अंदर कितना, क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, तारीफ कर दे बस। दुआ करो, बहुत अच्छी बनाई, बहुत बढ़िया बनाई है, सही में अच्छी बनाई है। दुआ करो, दुआ कर दे, दुआ दे दे कि ऐसी खाना भी अच्छा बना। अच्छा तू खाया खीर? मेरे को लगा तू नहीं खाएगा, ये मीठा नहीं खाता है। एक चम्मच चखो बस, उसके बाद सोच रहा हूँ। सेकंड जमात में तो बोल रहा था थर्ड जमात में आएगा चना, लेकिन आ गया सेकंड में ही। बोला दे दे चना, कैसा है? चना भी अच्छा है ना? चना रियाद भाई की मम्मी ने बनाया है, एक नंबर, एक नंबर। हाँ मस्त, काट लूंगा मैं। पहले तो हाथ में डर है, पहले ही कटे हुए। कैसा लगा पहला निवाला? माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी, मस्त ना। तू क्या दे रही है आईफा को अब? बहुत सारा प्यार नहीं। अब मम्मी देखो क्या बोल रही है, सही तो बोल। पैसा दे रहा था ना उसको, मैं उससे भी बड़ी चीज दूंगी उसको। क्या दे रही है? प्यार और आशीर्वाद। उसके लिए वो चीज बड़ी नहीं है, उसके लिए पैसा ही प्यार है। हाँ, अरे बाप रे, बहुत सोचा तू गड्डी निकाल के दे रहा है, पूरी गड्डी खोलने के बाद 100 रुपया निकाल के दिया इसने। 200 तो निकाल। चलो पैसा मायने नहीं रखता, लेकिन ये क्या बोलते हैं? हाँ ले, और मैं दे रहा था तब तेरे को नाटक चल रहा था। नाटक कर रही थी जब मैं दे रहा था, तो बोला मैं पास हुआ तो मैं सोचा शायद उसको देगा, उल्टा हो गया, उसके दे दिया। नहीं नहीं, पास होने की खुशी में मैं खिलाऊंगा। अरे वाह, नमक वाला, नमक वाला गाजर करवा। हम लोग को तो खिलाई थी तू। नहीं नहीं अब्रेश, ये कोरियन बनाई थी, कोरियन गाजर करवा। अरे मां, अब तो सब समझने लगे, अब मैं कुछ नहीं बोल रहा, अब सब समझ गए, सब समझ गए, सब समझ गए। तो गाइस अजीम भी आ गया है, खीर पूरी पेट खाली है ना, भूख लग रही है ना। हाँ तो बस बस इन लोग, ये जमात उठेगी ना उसके बाद बैठना। नहीं बहुत बहुत बैठ के खाएंगे साथ में, अमन मिल जाएगा, रुक जा थोड़ी देर, यहाँ एक और जमात खत्म होने दे। बोल रहा है उठो जल्दी, मेरे को बैठने का। कब से बोलता ऐसा ऐसा कर रहा था गाइस, अभी बोल रहे जल्दी में जल्दी जल्दी जाके बैठता हूँ बाथरूम में जाने। मनाली बोलिया, मनाली का बोलिया। अमन एज यूजुअल चढ़ाते हुए गाइस। रात मिली पेट को? अभी नहीं, बाद में जब बाथरूम जाएगा। सुना नहीं करते ऐसी बात। कोई बहुत ज्यादा स्मार्ट लड़की की बात कर रहे थे आप, क्या हो गया? अरे तो मैं अपना नाम सुन के आ गया अंदर, क्या हो गया? क्योंकि राजा चाचा बोल रहे, मेरी उम्र 25 की है और मेरी लड़की अभी 15 महीने की है। स्मार्ट चाचा के स्मार्ट भतीजे। हाँ सही है, सही है, ठीक है। अभी मैं 25 का हूँ। नहीं स्मार्ट बोले तो ठीक है, फिर भी ठीक है, आप लोग कंटिन्यू रहो, झगड़ा करो, झगड़ा करो। बुढ़ापी तेरी शादी के बाद ये पहली कुंडे की न्यासी तेरी,
और जिसमें तूने कुछ काम नहीं करी है। पहली बार ऐसा हुआ, मैंने कुछ नहीं की, बहुत आलस आ गैर हो गई है ना गाइस, ऐसे गैर लोगों से काम बोला नहीं की, झाड़ू पोछा की ना, झाड़ू मारी, हाँ किचन साफ करी थी इसने, ठीक है, लेकिन एहसान नहीं करी तूने मेरे ऊपर। तो मैं कब बोली तू इज्जत की ना रहे, ये बैठे न्यास के टाइम पे काम करना चाहिए था, देखो और देखो तूने काम नहीं करी। गाइस स्पेयर मारू भाईजान, सॉरी कोई बात नहीं, मैं बात टोपी नहीं उतार सकती। कैसा मजा, थोड़ी देर पहले बोल रहे पार्टी चाहिए, पार्टी तो अभी अमन अकेले बैठ के खा रहा है क्योंकि शोएब अभी तक आया नहीं, ये लास्ट मतलब अभी अमन बैठ रहा है, इसके बाद हम लोग इसके बाद बढ़ा देंगे, तो फिर शोएब आएगा, बढ़ा देंगे मतलब अगर जब न्यास होती है तो इसको ऐसा नहीं बोलते कि उठा दो, ऐसा नहीं बढ़ा देंगे, तो अगले साल भी हम लोग इंशाल्लाह कर सकेंगे, वो हिसाब से बोलते हैं कि बढ़ा देंगे, तो इंशाल्लाह अगले साल वापिस करेंगे। अभी तो अल्लाह का शुक्र है सब अच्छे से हो गया है, तो बस आरती अर्चलान का इस बार भी एज यूजुअल बहुत लेट, अभी तक आए नहीं है, तो अभी देखो इन लोग का होने के बाद फिर अपन बढ़ाने के बाद देखते कौन कौन आता है। तब शुएब आ गया है, अच्छा हुआ 2 मिनट पहले आता ना तू, 2 मिनट और लेट आता था, मतलब अमन कहाँ गया था, ये झूठे खा, चल पहले खा ले, अब खा ले, ठीक है कोई बात नहीं। सब हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से, तो अभी नियाज को बढ़ाते हैं, और नियाज को बढ़ाने से पहले हम लोग ने दुआ मांग ली है, और दुआ मतलब अल्लाह करे इंशाल्लाह अगले साल हम लोग इससे बड़ा और अच्छे से करने की कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह अगले साल जो भी जिसकी भी मुराद है वो अल्लाह पूरी करे इंशाल्लाह। अक्षत ने भी इस वक्त दुआ कर ली है कि मेरी शादी हो जाए जल्दी, और देखो भाभी चाची, मेरी बीवी ये सब सुन के नहीं लेती थी, होती तो ना अभी है नहीं ना, वो राजा का सपोर्ट ले रही, बोलती राजा सही है अभी तक देखे नहीं, अबे तू देख ही नहीं ना, तू घर पे नहीं रहती है, देखा किसने, मैं तो उसको जानता हूँ। सब अच्छे से हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, लगा शुक्र है गाइस, आप लोग भी करो, बहुत अच्छा लगता है, सब घर वाले लोग एक साथ बैठते हैं, मस्ती मजाक भी हो जाती है, और मतलब नियाज भी हो जाती है, अच्छे से सब कुछ हो जाता है, तो बहुत अच्छा लगा करके। तो गाइज अभी बिलाल जा रहा है ब्राइड टू बी करने के लिए, तो गाइज आप लोग वो उसके चैनल पे जाके देख सकते हो, तो ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। और जहाँ बताना भूल गया, जिशान क्यों नहीं दिखा, क्योंकि गाइज जिशान गया है मुमानी के साथ मतलब को शॉपिंग करने, क्योंकि भाभी जा रहे हैं सऊदी रिटर्न, तो गाइज आप लोगों को वो चीज का ब्लॉग मिल जाएगा, ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, करते हैं हमरकत, इसीलिए लोग हमें कहते हैं फॉरगॉट सो मच ब्लॉग, अच्छे लगे लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलो, हिट द बेल आइकन।